मीरपुर खास ब्यूरो चीफ शाहिद मेमन के मुताबिक हैस्को की ज्यादतियों और ट्रांसफार्मर की मरम्मत न करने और मुसलसल गैर एलानिया लोड शेडिंग के बाइस रहीम नगर के लवाहिकीन का अदाशुदा बिजली के बिल हाथों में उठाए हैस्को वापडा अमलदारों के खिलाफ परवेज नाजू गोल मोहम्मद महर नोमान महर अब्दुस्तार रामू सिकंदर अब्दुल जब्बार रामू और दीगर ने प्रेस क्लब के आगे एहतजाजी मुजाहरा करके मीरपुर खास टू हैदराबाद रोड पर धरना दिया। मुजाहरीन ने दौरान एहतजाज साफियों को बताया कि हमारे इलाके में गुज़श्ता 10 दिन से लाइट नहीं है, ट्रांसफार्मर ख़राब है, जबकि हमने वापडा वालों को ट्रांसफार्मर बनाने के 20,000 रुपये भी दिए हैं, लेकिन हैस्को वापडा अमलदारों कुछ भी करने को तैयार नहीं है, जबकि हमारा मोहल्ला बाकायदगी से बिजली का बिल वक्त पर अदा करता है। मुसलसल बिजली की फराहमी बंद होने की वजह से घरों मस्जिदों में पानी का बड़ा मसला पैदा हो गया है, जबकि घरों में बीमार लोग और ख्वातीन सख्त परेशान हैं। मीरपुर खास की आवाम वापडा की ज्यादतियों से तंग आ गई है। लवाहिकीन एहतजाज करते हुए कहा कि 24 घंटों के अंदर अगर ट्रांसफार्मर लगाकर बिजली की फराहमी बहाल ना की गई तो एहतजाज करके मेन रोड बंद किया जाएगा। सर मुझे नालो नुमान आए और रही नंगर जो रवासी आया हम सजी पब्लिक भी उतें की आए अस वो ना ट्रांसफार्मर जो आए डी मसलो लगो पो है ईद का पेरी वोल्टेज कदें मथे हो कद घटो उन रड़ू करे करे मुश्किल से टे दिन का आया वो लिंक ठाऊँ कलाक वही वरी लिंकू लही थी वन।